हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं टमाटो केचप घर पर ही। तो इस टमाटो केचप के लिए मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। इसके लिए एकदम फ्रेश टमाटर होने चाहिए। देखो, मैंने धोकर साफ कर लिए हैं। अब इन्हें हम कुकर में उबालने के लिए रख देंगे। उससे पहले हम इनके चार चार पीसेस कर लेंगे इस तरह से। इस कैप को निकाल देंगे यहां से। स्पार्स कर तो हमने टमाटर काट लिए हैं। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। आधा ग्लास पानी डाल दिया। अब इसमें हम 2 या 3 सीटी लगा लेंगे। इसको पका देंगे। आ चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। तो कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब इन टमाटरों को मिक्सी में पीस लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का पानी है, बस हमें वो यूज करना है, बाहर का पानी यूज नहीं करना। इसको हम पीस लेंगे अब मिक्सी में। तो टमाटर हमारे पीस चुके हैं, अब बाकियों को पीस लेंगे। टमाटर हमारे पिस चुके हैं। अब इन्हें एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे। तो टमाटर की प्यूरी हमने छान ली है, बीज अलग कर लिए हैं। और अब एक गैस पे पैन चढ़ाएंगे। अब इसमें वेजिटेबल ऑयल डालेंगे हम 1 चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा। देखो, 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया। तो अब हमने हींग डाल दी थोड़ी सी। इसको गर्म होने देते हैं। एक चम्मच मिर्च डाल दी। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको तीखा पसंद है तो ज्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो। आधा चम्मच हल्दी डाल दी। अब इसमें टमाटर प्यूरी को डाल देंगे। अब हम इसको पकने देंगे। उबाल आने तक इसको पकाएंगे। अभी प्यूरी हमारी अब उबलने लगी है। उबाल आ रहा है इसमें धीरे धीरे। इसको चलाते जाएंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा आपको टेस्ट पसंद है। मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दिया। अब इसमें विनेगर डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें विनेगर डाल दिया है। तो इसको पकाएंगे धीरे धीरे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। अब हमने 5-1 मिनट पका लिए। इसमें चीनी डाल देंगे। तो चीनी करीबन हम 200 ग्राम के करीब डालेंगे। ये मेरी 1 कटोरी चीनी है, 200 ग्राम के करीब है। बाकी आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा आपका टेस्ट है उसी अनुसार।
अब इसको पकने देंगे थोड़ा गाढ़ा होने तक। ये देखो अभी हमारी इस तरह से थोड़ी और पतली है और इसको और पका लेंगे, अभी हल्का सा और गाढ़ा कर लेंगे इसे। देखो हमारी सॉस बनके तैयार हो चुकी है, इसको हम कटोरी में डाल के देखते हैं। थोड़ा सा इस तरह से आएगी, देखो अब ये थोड़ी ठंडा होने के बाद भी ठीक होगी, तो गैस बंद कर देते हैं हम और इसको ठंडा होने देते हैं। तो देखिए हमारी सॉस ठंडी हो चुकी है और ठंडे होके देखो इस तरह का टेक्सचर आया है और कलर भी कितना सुंदर लग रहा है। जितना ये देखने में सुंदर लग रही है उतने खाने में टेस्टी है। एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, यकीन मानना कि बाजार की खाना भूल जाओगे। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स दोस्तों।